नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जी हां, उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है 2022 में, और कांग्रेस यहां पर बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। मौजूदा सरकार जो कि बीजेपी की है, वो यहां पर बहुमत से दूर दिख रही है। 70 सीटों वाले इस विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार कांग्रेस यहां पर दोबारा वापसी करने के लिए इस वक्त तैयार है। 2007 में उन्हें बड़ी हार मिली थी, और इस बार हरीश रावत का जलवा वहां पर कायम दिख रहा है और वो वापसी करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड जो कि 70 विधानसभा यहां पर हैं, और यहां पर 36 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के लिए, और कुल अब की यहां पर वोट परसेंटेज जो हुआ था ओवरऑल 65.37% वोट पड़े थे। अब जब एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है, उसमें कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, मतलब बहुमत से वो 2 सीट ज्यादा दिख रहे हैं, और बीजेपी जो कि मौजूदा वक्त में जिसकी सरकार है उत्तराखंड में, उनको 26 से 32 सीटें मिलते हुए दिख रही हैं, मतलब उत्तराखंड हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है और 4 सीटों से वो बहुमत से दूर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी जिसने जोर शोर से यहां पर चुनाव प्रचार किया था, वो 0 से 2 तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, और अदर्श के खाते में यहां पर 3 से 7 सीटें दिख रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एपीसी वोटर के सर्वे के अनुसार कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में वापस आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। 2017 के चुनाव की अगर बात कर लें तो वहां पर बीजेपी को 57 सीट मिली थी प्रचंड बहुमत के साथ। बीजेपी ने उत्तराखंड की सीट पर कब्जा किया था, और 70 में से 57 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, और कांग्रेस को मिले थे मात्र 11 सीटें, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो इस तरीके से 17 में बीजेपी आई उत्तराखंड में, और उसने 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। सबसे पहले उन्होंने टीएसआर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सत्ता सौंपी जब वो जीत कर आए 2017 में। उसके बाद उन्होंने फिर से जब पिछले साल ही अपने मुख्यमंत्री को बदला, तो फिर से दूसरे टीएसआर को उन्होंने जिम्मेदारी दी। इस बार तीरथ सिंह रावत की बारी थी, और तीरथ सिंह रावत 3 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रह सके, और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बदल दिया गया। पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी दी गई, और उन्हीं के फेस पर ये चुनाव भी लड़ा गया उत्तराखंड में। और अब लग रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता नहीं दिखाई देगी 2022 में, क्योंकि एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस 32 से 38 सीटों पर, और बीजेपी की बात करें तो 26 से 32 सीटों पर, और आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 0 से 7 सीटें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इसी सर्वे के अनुसार कांग्रेस की वापसी उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, और ये बता रहा है कि चुनाव के दौरान हरीश रावत का जलवा किस तरीके से यहां पर कायम था, जो कि वोट में तब्दील हुआ, और अब वोट सीटों में तब्दील हो रहा है, और क्या सरकार 10 मार्च को बन पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि उसी दिन असली नतीजे आने वाले हैं। फिलहाल जो कुछ भी होगा खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी।